आंखें हम सब के पास है, माँ के पास दूरबीन है दूरबीन। घर में कुछ भी खोजे वो सिर्फ माँ को मिलता है। मेरा पर्स, बहन का रिबन, बाबूजी की घड़ी, दादाजी की छड़ी, कुछ भी अगर माँ को छुपा के रख दे उसे कोई ढूंढ नहीं सकता। मैं घर का एक एक कोना छान मारा, माँ के वो दुख नहीं मिले जो हमको खुश रखने के लिए छुपा के रख दिए थे। माँ के वो दर्द नहीं मिले, किसी तहखाने में दबा के रख दिए। अलमारी का एक एक कोना छान मारा, माँ के वो सपने नहीं मिले जो हमारे सपने पूरे करने के लिए टूट गए थे। ये लुका छिपी ठीक है माँ, जो छुपा दिया छुपा दिया, मुझे कोई शिकायत नहीं, पर कभी तो मत छुप जाना। मैं कैसे ढूंढूंगा, मेरे पास तो आंख है माँ, मैं तेरे जैसी दूरबीन कहाँ से लाऊंगा माँ। अगर आप अपनी माँ से प्रेम करते हो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करना मेरे भाइयों। जब बेटा ओपी से घर आया तो उसकी पत्नी बार बार अपनी सास को कह रही थी कि अपनी हद में रहे बुढ़िया, अपनी हद में रहे। बेटे ने अपनी माँ से पूछा, क्या हो गया माँ, आपके साथ क्यों झगड़ा कर रही है ये? उस माँ ने अपने बेटे को बताया, बेटा मेरे ऊपर आपकी पत्नी झूठा इल्जाम लगा रही है कि आपने मेरी अंगूठी चुरा ली। उस लड़के ने अपनी पत्नी को कहा, ऐसा मेरी माँ कभी नहीं कर सकती, आपने कहीं रख के भूल गई होगी, आप ढूंढो आपको मिल जाएगी। उस लड़के ने अपनी पत्नी को खूब समझाया, फिर भी उसकी पत्नी मानने को तैयार नहीं थी। उसकी पत्नी कह रही थी, घर में हम दो के सिवा तीसरा कोई था ही नहीं, तो मेरी अंगूठी गई कहाँ पे? लड़के ने कहा, आप कहीं रख के भूल गई होगी, इधर उधर देखो मिल जाएगी, और माँ ऐसा कभी नहीं कर सकती। और उस लड़के के कहने पर घर के सभी सदस्यों ने इधर उधर उसको ढूंढना शुरू किया। काफी देर ढूंढने के बाद एक टेबल के पर रखी हुई मिल गई अंगूठी। उस लड़के ने ले जाके अपनी पत्नी को दी, बोले कि आप वहाँ टेबल पे रख के भूल गई थी। फिर भी उस लड़के की पत्नी मानने को तैयार नहीं थी कि मेरी सास ने ही चुराई है और अभी आपको निकाल के दे दिया है। बार बार उस लड़के की माँ पर झूठा इल्जाम लगाते हुए देख के उस लड़के को गुस्सा आया और उसने अपनी पत्नी को जोर से चाटा मारा। उसकी पत्नी गुस्सा हो गई और वो घर छोड़कर जाने के लिए कहने लगी। जब उसकी पत्नी सामान पैक करके घर छोड़ के जा रही थी तो जाते जाते उसने अपने पति से पूछा कि आपको अपनी माँ के ऊपर इतना भरोसा कैसे है कि वो चोरी कर नहीं सकती। तो वो बेटा कहने लगा, सुन जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी गुजर गए थे, माँ पास के घरों में बर्तन मांझ के जो कमा के लेके आती थी उससे एक वक्त की ही रोटी बनती थी, उससे एक वक्त का ही खाना आता था, और एक थाली में मुझे खाना परोस देती थी और एक खाली डिब्बे को ढक कर रख देती थी और कहती थी, मेरी सारी रोटियां इस डिब्बे में है, ये खाना तुम खा ले, बेटा तुम खा लो। मैं भी हमेशा आधी रोटी खाकर कह देता था, माँ मेरा पेट भर गया, मुझे और नहीं खाना है, मैं छोड़ दिया करता था। माँ ने मेरी जूठी रोटी खाकर पाल पोस कर मुझे बड़ा किया। आज मैं दो रोटी कमाने के लायक हो गया और यह मैं कैसे भूल सकता हूँ। उम्र के उस पड़ाव पर अपनी इच्छाओं को मार कर, उम्र के उस पड़ाव में अपनी इच्छाओं को मारा है, क्या तुझे लगता है उम्र के इस पड़ाव पर क्या किसी अंगूठी की भूखी होगी? यह मैं सोच भी नहीं सकता। तुम तो मेरे साथ 3 साल से रह रही हो, मैं तो माँ के पिछले 30 साल की तपस्या को देखता आ रहा हूँ। दरवाजे के पीछे खड़ी माँ ने ये बातें सुनकर उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े। समझ नहीं आ रही थी कि बेटा उसकी आधी रोटी का कर्ज चुका रहा है। दोस्तों, माँ का कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते। आप सबसे मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ, आपके होने से मैं खुद को मुकम्मल समझता हूँ और मैं अपने रब से पहले अपने माँ को जानता हूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आप अपनी माँ से प्रेम करते हो तो मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।